हेलो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इन्फेक्शन कंट्रोल इन NICU। तो इन्फेक्शन कंट्रोल कैसे होता है NICU में, वो देखते हैं अपन। तो सबसे पहला स्टेप फर्स्ट, इन्फेक्शन कंट्रोल स्टेप फर्स्ट, प्रिवेंट एंट्री ऑफ माइक्रोब्स इनटू द NICU। ठीक है, माइक्रोब्स की एंट्री को प्रिवेंट करना है NICU में। तो सबसे पहले इसमें होगा ए क्लीन इमीडिएट इन्वायरमेंट, जो इन्वायरमेंट है उसको इमीडिएटली क्लीन करना। तो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द लेबर रूम एंड रिससिटेशन रूम इन्वायरमेंट मैटरनल वेजाइनल फ्लोरा कैन कोलोनाइज द न्यूबॉर्न स्किन। ठीक है, मतलब जो न्यूबॉर्न होता है उसकी स्किन पे हो सकते हैं, प्रेजेंट हो सकते हैं कुछ जो माइक्रोब्स होते हैं वो, जैसे लेबर रूम के माइक्रोबिज्म या रिससिटेशन रूम के इन्वायरमेंट या मैटरनल वेजाइनल फ्लोरा होते हैं, तो वो न्यूबॉर्न की स्किन पे हो सकता है। दिस कैन बी प्रिवेंटेड बाय फॉलोइंग द, तो इसके लिए क्या होता है कि इसको प्रिवेंट करने के लिए उन वेजाइन उन माइक्रोब्स को न्यूबॉर्न की स्किन पे नहीं रहे, वो उनको क्लीन करने के लिए, उनको प्रिवेंट करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं। जैसे कि फर्स्ट है क्लीन पेरिनियम, मैटरनल पेरिनियम को क्लीन करना, क्लीन डिलीवरी सरफेस, डिलीवरी सरफेस को क्लीन करना, क्लीन कोड, कोड को क्लीन करना, कटिंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, क्लीन कोड केयर, क्लीन कोड केयर रखना एंड इंश्योरिंग दैट नथिंग अनक्लीन इज इंट्रोड्यूस इनटू वेजाइना। ठीक है, तो ये इंश्योर करना कि कुछ भी अनक्लीन कोई भी चीज़ है उसको, इंस्ट्रूमेंट वगैरह है उनको वेजाइना के अंदर इंट्रोड्यूस नहीं किया जाए। उसके बाद में बी है स्टैंडर्डाइज द NICU डिज़ाइन। तो NICU की जो डिज़ाइन है उसको स्टैंडर्डाइज करना, जैसे लोकेशन ऑफ NICU, तो NICU की क्या लोकेशन होनी चाहिए। द NICU हैज ए डिस्टिंक्ट एरिया विद कंट्रोल एसेस, ईच इन्फेंट स्पेस हैज ए मिनिमम ऑफ 120 स्क्वायर फीट, क्लीन फ्लोर स्पेस एक्सक्लूड एंड हैंड वॉशिंग एरिया और कॉरिडोर। ठीक है, देयर शुड बी मिनिमम ऑफ 4 फीट बिटवीन टू इन्फेंट। ठीक है, उसके बाद में एयरबोर्न इन्फेक्शन आइसोलेशन रूम। एन एयरबोर्न इन्फेक्शन इन आइसोलेशन रूम शुड बी अवेलेबल, एक आइसोलेशन रूम भी अवेलेबल होना चाहिए NICU में। ए हैंड फ्री हैंड वॉशिंग स्टेशन फ्रॉम हैंड हाइजीन, द एरिया ऑफ गाउनिंग एंड स्टोरेज ऑफ क्लीन मटेरियल शुड बी प्रोवाइडेड नियर द एंट्रेंस टू द रूम। ठीक है, वेंटिलेशन हैज नेगेटिव एयर प्रेशर विद एग्जॉस्ट टू द एक्सटीरियर। ठीक है, वेंटिलेशन होना चाहिए जिसमें क्या हो, नेगेटिव एयर प्रेशर हो विद एग्जॉस्ट टू द एक्सटीरियर की तरफ। व्हेन नॉट यूज फॉर आइसोलेशन, जब आइसोलेशन का यूज़ नहीं हो रहा हो, मतलब जब पेशेंट आइसोलेशन में नहीं हो, द रूम में बे बी यूज फॉर केयर ऑफ नॉन इन्फेक्शियस इन्फेंट। ठीक है, रिलेटिवली ह्यूमिडिटी शुड बी 30-60% ह्यूमिडिटी एंड मोर देन 60% में प्रमोट ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ह्यूमिडिटी 60% से ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ करवा सकती है। अकॉर्डिंग टू अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्चर गाइडलाइन के अनुसार द NICU शुड हैव मिनिमम ऑफ 6 एयर चेंजेस पर हावर। ठीक है, 6 एयर चेंजेस होने चाहिए पर हावर्स में एंड 12 एयर चेंजेस हावर्स फॉर आइसोलेशन रूम। ठीक है, उसके बाद में हैंड वॉशिंग स्टेशन, एवरी इन्फेंट बेड शुड विद इन 20 फीट ऑफ हैंड फ्री हैंड वॉशिंग स्टेशन, द वॉशिंग सिंक शुड बी लार्ज इनफ टू कंट्रोल स्प्लैशिंग। ठीक है, मतलब पानी इधर उधर ना बिखरे उसके लिए लार्ज एरिया का सिंक होना चाहिए। पिक्टोरियल हैंड वॉशिंग इंस्ट्रक्शन शुड बी प्रोवाइडेड। ठीक है, नॉन एब्जॉर्बेंट वॉल मटीरियल शुड बी यूज अराउंड द सिंक टू प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ मोल्ड्स। ठीक है, ऑन सेलुलोज मटीरियल्स, देयर शुड बी स्पेस फॉर सोप एंड टॉवल डिस्पेंसर। ठीक है, सोप और टॉवल रखने के में वहाँ जगह होनी चाहिए सिंक के पास में। उसके बाद में चाहिए हैंड हाइजीन,
तो सीडीसी रिकमेंडेशंस एंड हाइजीन हैंड वॉशिंग, जो सीडीसी रिकमेंड्स हैं उसमें हैंड वॉशिंग बिफोर एंड आफ्टर कॉन्टैक्ट विद एवरी पेशेंट फॉर 20 सेकेंड एंड 40 to 60 सेकेंड ऑफ हैंड वॉशिंग बिफोर एंटरिंग द NICU, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप हैंड वॉशिंग शुड बी डन एज फॉलो, ठीक है। हैंड वॉशिंग के स्टेप फॉलो करने चाहिए। ऑल एसेसरी रिमूव्ड, नो वॉच, नो ब्लेसलेट, नो रिंग ऑन फिंगर्स, ठीक है। टर्न ऑन वाटर, वेट हैंड्स एंड अप्लाई एंटी माइक्रोबियल सोप, देन रबिंग पाम टू पाम, देन रबिंग पाम टू ओवर डोर्सम, देन रबिंग फिंगर इंटरलेस, देन रबिंग बैक ऑफ फिंगर्स, देन रोटेशनल फिंगर ऑफ थम, देन रबिंग रिस्ट, ठीक है, देन रबिंग फोर आर्म, देन रिंस अंडर रनिंग वाटर, ठीक है। रनिंग ऑफ वाटर विदाउट कंटामिनेशन, वाई हैंड्स ड्राई विद पेपर टॉवल वाइप, हैंड्स इन फिंगर टिप्स टू रिस्ट डायरेक्शन, ठीक है। डिस्कार्ड यूज पेपर इन ए गार्बेज बिन, ठीक है। ईच ऑफ दिस एक्शन मस्ट बी डन फॉर मिनिमम 5 सेकेंड, टेकिंग ए टोटल ऑफ 30 सेकेंड, ठीक है। तो ये हैंड वॉशिंग के स्टेप हैं, कैसे कैसे हैंड वॉशिंग करनी चाहिए और उसमें कितना टाइम लेना चाहिए हैंड वॉशिंग में। यूज ऑफ एल्कोहल बेस हैंड रब, एल्कोहल बेस हैंड रब का यूज करना चाहिए। एल्कोहल बेस हैंड रब कैन बी यूज एज हैंड हाइजीन एजेंट इफ हैंड आर नॉट विजिबल डर्टी और कंटामिनेटेड। तो हैंड रब का यूज कब किया जाता है, जब हाथ गंदे दिखाई नहीं दे या फिर कंटामिनेटेड नहीं हो उस समय। दे आर प्रूवन, मतलब जैसे अगर हाथों में ब्लड ब्लड लग गया है, ब्लड लग गया है, तो उस समय हैंड वॉशिंग ही करनी चाहिए, हैंड रब का यूज़ नहीं करना चाहिए। दे कैन प्रूवन टू बी मोर इफेक्टिवली देन स्टैंडर्ड हैंड वॉशिंग, ठीक है। एल्कोहल रब में बी यूज इन बिटवीन पेशेंट एग्जामिनेशन, ठीक है। एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में जाते समय हैंड वॉशिंग हैंड रब का यूज करना चाहिए। एटलीस्ट 2 to 3 ml हैंड रब शुड बी अप्लाइड टू ऑल ओवर सरफेस ऑफ पाल्म एंड फिंगर्स, ठीक है। उसके बाद में एल्कोहल बेस्ड हैंड रब आर नॉट यूजफुल फॉर टचिंग एन इन्फेक्टेड पेशेंट और वेन एन हैंड्स आर सोइल्ड, ठीक है। विजिटर्स पॉलिसी या मोबाइल रेस्ट्रिक्शन क्या होते हैं। यूजली माइक्रोब्स एंटरिंग इन NICU थ्रू पर्सनल हु एंटर इन NICU, ठीक है, एंड हैंस रेस्ट्रिक्शन ऑफ एंट्री इज मस्ट, ठीक है। पीपल विद एक्टिव इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी, म्यूकोक्यूटेनियस एंड गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एंड चिल्ड्रन शुड नॉट बी अलाउड इन साइड द NICU, ठीक है। इन्फेक्टेड एंड आउट बोर्न इन्फेंट्स शुड बी मैनेज्ड इन द आइसोलेशन रूम, ठीक है। मतलब जो ऐसे पेशेंट, मतलब अननेसेसरी जो विजिटर्स होते हैं उनकी एंट्री नहीं करनी चाहिए NICU में, ठीक है। और चाइल्ड या छोटे बच्चे हैं उनकी भी एंट्री रेस्ट्रिक्शन होती है क्योंकि उनके साथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ सकते हैं, ठीक है। और ऐसे पेशेंट जिनके अंदर एक्टिव इन्फेक्शन है, तो ऐसे पर्सन को भी NICU में एंट्री नहीं करवानी चाहिए, ठीक है। और जो इन्फेक्टेड या आउटबोर्न इन्फेंट है उनको आइसोलेशन रूम में ही मैनेजमेंट उनका करना चाहिए। उसके बाद में एफ, गाउनिंग टू रिड्यूस नोजोकोमियल इन्फेक्शन। स्टडी हैव शो नो रिडक्शन ऑफ इन्फेक्शन ड्यूरिंग गाउनिंग पीरियड एज कंपेयर्ड टू नो गाउनिंग पीरियड, ठीक है। द फोकस शुड बी ऑन एडिक्वेट हैंड वॉशिंग बाई ऑल हॉस्पिटल पर्सनल एंड विजिटर्स बिफोर हैंडलिंग न्यूनेट, ठीक है। तो इसमें भी हैंड वॉशिंग के बारे में ही है कि हैंड वॉशिंग जो न्यूनेट है उसको हैंडल करने से पहले, चाहे वो हॉस्पिटल पर्सनल या कोई विजिटर हो, उससे पहले उसको हैंड वॉशिंग करनी चाहिए ताकि जो नोजोकोमियल इन्फेक्शन है उसको रिड्यूस किया जा सके। उसके बाद में ज्वेलरी एंड फिंगर नेल पॉलिसी। Consensus recommendation that the health care worker should not wear artificial fingernail and or extender have when having direct contact with the patient, and natural nail should be kept short, ठीक है, 0.5 centimeter long
और अप्रोक्सीमेटली 1/4 इंच लॉन्ग। ठीक है, हेयर मतलब जो फिंगर नेल्स हैं वो कट होने चाहिए और ज्वेलरी वेयर नहीं की हुई होनी चाहिए, ये भी कंट जो इन्फेक्शन है उसके सोर्स हो सकते हैं। उसके बाद में है इन्फेक्शन कंट्रोल स्टेप सेकंड। स्टेप सेकंड क्या है इन्फेक्शन कंट्रोल का? प्रिवेंट प्रोलीफरेशन ऑफ माइक्रोब्स इन NICU। जो NICU में माइक्रोब्स का प्रोलीफरेशन हो रहा होता है उसको प्रिवेंट करना। गुड हाउस कीपिंग रूटीन आर हेल्पफुल इन रिड्यूसिंग प्रोलीफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स थस प्रिवेंटिंग एंड कर्टेल स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन। ठीक है, अवॉइड वेट एरिया इनसाइड द NICU। ड्राई एंड क्लीन NICU एंड अनलाइकली टू हार्बर माइक्रोब्स। ठीक है, मतलब NICU के एरिया है वो गीला नहीं रखना चाहिए, ड्राई एरिया होना चाहिए, क्लीन एरिया होना चाहिए NICU का, और डेली हाउस कीपिंग जो रूटीन है उसको फॉलो करना चाहिए। ठीक है, और जो वेस्ट डिस्पोजेबल है उसको भी प्रॉपर डिस्पोज करना चाहिए। उसके बाद में है डेली वीकली रूटीन इन NICU। तो डेली रूटीन क्या होता है NICU का? इंक्यूबेटर, वार्मर, सिरिंज पंप, इन्फ्यूजन पंप, फोटोथेरेपी यूनिट, मैट्रेस, पल्स ऑक्सीमीटर या मल्टी चैनल मोनिटर, ऑक्सीजन हुड, वेंटिलेटर, सीपैप मशीन, टेलीफोन। तो इन सब का क्लीनिंग कैसे की जाती है? इनकी ड्राई डस्टिंग की जाती है क्लीन यूजिंग ए मॉइस्ट वाइप। ठीक है, उसके बाद में सक्शन बोटल्स, ह्यूमिडिफायर, चैम्बर्स, बोटल इन बबल, सीपैप। इनकी क्लीनिंग कैसे की जाती है? चेंज विद डिस्टिल्ड वाटर। ठीक है, वेंटिलेटर्स, फिल्टर्स क्लीन डेली एंड डस्ट ऑफ। ठीक है, और इमर्ज इन 2% साइडेक्स फॉर 6 to 8। बैग एंड मास्क, बैग एंड मास्क का इमर्स इन 2% साइडेस फॉर, अच्छा वो उसका है। ठीक है, बैग एंड मास्क का है इमर्स ऑफ 2% साइडेक्स 6 to 8 hours आफ्टर डिसमेंटलिंग एंड क्लीनिंग विद रनिंग वाटर। ठीक है, बैग और मास्क का है उनका साइडेक्स से डिसइंफेक्ट उनको करना चाहिए। उसके बाद में इंक्यूबेटर एंड रेडियंट वार्मर। तो इनक्यूबेटर एंड रेडिएंट वार्मर है तो उनकी क्लीनिंग कैसे की जाती है? क्लीनिंग विद 2% बेसिलोसिड इफ़ नॉट ऑक्यूपाइड बाय एन इन्फेंट। ठीक है, उसके बाद में लेरिंगोस्कोप, मास्क, स्टेथोस्कोप, मेजरिंग स्टेप, थर्मोमीटर, बीपी कप, टेम्परेचर एंड SpO2 प्रोब, टॉर्चेस, इनका कैसे करना चाहिए? वाइप विद स्प्रिट। तो इनको स्प्रिट से साफ करनी चाहिए। उसके बाद में वॉल, फ्लोर या वॉश बेसिन को कैसे क्लीन करनी चाहिए? क्लीन विद पोलिसेन और फिनोल या फिर लाइजोल और 2% बेसिलोसिड और 0.5% क्लोरीन से साफ करना चाहिए। उसके बाद में डस्टबिन एंड बकेट्स, डस्टबिन बकेट्स या फिर वेस्ट जो होता है उनको कैसे क्या करना चाहिए? एम्प्टी ड्यूरिंग ईच शिफ्ट एंड क्लीन विद सोप एंड वाटर। हर शिफ्ट में उनकी क्लीनिंग होनी चाहिए और क्लीन विद सोप एंड वाटर। ठीक है, उसके बाद में वीकली क्लीनिंग कैसे होती है? तो वेंटिलेटर, सीपैप एंड सीपैप सर्किट्स जो होते हैं उनकी क्लीनिंग चेंज विद ए न्यू सर्किट। जो सीपैप के जो सर्किट होते हैं उनका वीकली चेंज करना चाहिए। और प्रोसीजर सेट्स जो होते हैं उनकी ऑटोक्लेमिंग होनी चाहिए आफ्टर एवरी यूज। ठीक है, और विंडो एयर कंडीशन उसकी क्लीनिंग सरफेस एंड फिल्टर्स विद सोप एंड वाटर। ठीक है, उसके बाद में रेफ्रिजरेटर्स, तो रेफ्रिजरेटर की सॉफ्टन एंड क्लीन्ड सेपरेटेड फ्रिज फॉर मिल्क एंड लैब सैंपल। ठीक है, मिल्क के लिए और लैब सैंपल्स के लिए अलग अलग रेफ्रिजरेटर वहाँ पे होनी चाहिए और सेपरेट उनकी क्लीनिंग होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद में थर्मोमीटर, वेइंग मशीन, स्टेथोस्कोप, बीपी कप, लेरिंगोस्कोप शुड बी क्लीन एंड वाइप विद स्प्रिट आफ्टर एवरी यूज। ठीक है, फीडिंग यूटेंसिल, पैलेडाइल शुड बी बॉइल्ड फॉर 15 मिनट आफ्टर क्लीनिंग आफ्टर ईच यूज। ठीक है, जो फीडिंग यूटेंसिल्स होते हैं जो जिनसे बच्चे को फीडिंग की करवाई जाती है उन सबको 15 मिनट तक बॉयल करना चाहिए आफ्टर हैवी यूज।
उसके बाद में वेस्ट डिस्पोजेबल को कैसे डिस्कार्ड करना चाहिए, जो ब्लैक डर्म होता है, ब्लैक बास्केट होती है, वेस्ट डिस्पोजल बाय डंपिंग उनको लेफ्ट ओवर फूड, उसमें क्या क्या होता है, डंपिंग से उनका वेस्ट मैनेजमेंट किया जाता है, मतलब जो ब्लैक डर्म में जो भी वेस्ट होगा उनकी उसकी डंपिंग की जाएगी। तो उसमें क्या क्या हो सकता है ब्लैक डर्म में, जैसे कि लेफ्ट ओवर फूड्स, वेजिटेबल वेस्ट पेपर, पैकिंग मटेरियल या फिर एम्प्टी बैग हो सकते हैं। उसके बाद में येलो डर्म होता है, उसका डिस्पोजेबल कैसे किया जाता है, बाई इंसिनरेशन। तो उसमें कौन कौन से येलो बैग में कौन कौन क्या क्या चीज़ें आती हैं, जैसे इन्फेक्टेड नॉन प्लास्टिक वेस्ट, ह्यूमन सिक्रेटा एंड ब्लड, बॉडी फ्लूड्स या एनाटोमिकल ऑर्गन्स, ये सब येलो ड्रम में आते हैं। और उसके बाद में ब्लू ड्रम, उस मेड नॉन इन्फेक्शियस बाई ऑटोक्लेविंग, ठीक है, कोई अगर उसमें नॉन इन्फेक्सिव कुछ है तो उसको ऑटोक्लेव की जाती है और डिस्पोज बाय श्रेडिंग मेथड से उसको डिस्पोज किया जाता है। उसके बाद में इन्फेक्टेड, इसमें ब्लू ड्रम में क्या क्या आएगा, इन्फेक्टेड प्लास्टिक वेस्ट लाइक आईवी सेट्स आएंगी, ईटी ट्यूब्स आएंगी, कैथेटर या यूरो बैग्स आएंगी, ठीक है। उसके बाद में इन्फेक्शन कंट्रोल स्टेप थर्ड, तो इन्फेक्शन कंट्रोल स्टेप थर्ड में क्या क्या आएंगे, प्रिवेंटिव इन्फेक्शन स्प्रेड फ्रॉम प्रोलीफरेशन साइट्स टू बेबी एंड फ्रॉम वन बेबी टू अदर, ठीक है। दिस इज ए मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ माइक्रोब फ्रॉम प्रोलीफरेशन साइट टू बेबी एंड फ्रॉम वन बेबी टू अनदर बेबी क्रॉस कंटामिनेशन, मतलब इसमें क्रॉस कंटामिनेशन जो होता है उसको प्रिवेंट कैसे करना है वो है। द फॉलोइंग स्टेप आर इम्पोर्टेंट इन दिस रिगार्ड, ठीक है, कुछ स्टेप्स हैं इसके, जैसे कि नर्स टू पेशेंट रेशो, तो जो क्रॉस कंटामिनेशन है वन बेबी से दूसरे बेबी में जो कंटामिनेशन हो सकता है उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या हो क्या क्या स्टेप होते हैं, जैसे कि फर्स्ट नर्स टू पेशेंट रेशो, तो नर्स और पेशेंट का रेशो क्या होता है कि जो ऑल यूनिट अंडरटेकिंग यूनिट इंटेंसिव एंड हाई डिपेंडेंसी केयर शुड बी अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ न्यूनेटल नर्सेस। तो इसमें रिकमेंडेशन रेशो क्या है, 1:1, मतलब 1:1 होता है, मतलब 1 पेशेंट पे 1 यूनिट पे 1 नर्स होनी चाहिए इफ़ बेबी हैज़ मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट माइक्रोब्स, ठीक है, और 1:2 इफ़ बेबीज हैव हैविंग सिमिलर ऑर्गेनिज्म और ससेप्टिबल ऑर्गेनिज्म, ठीक है, मतलब यह मतलब बेबी अगर सिमिलर ऑर्गेनिज्म से ही अफेक्टेड है तो उसमें एक बेबी पर 2 नर्स हो सकती हैं, और एक बेबी पर 3 नर्स इफ बेबी नहीं एक बेबी पर 2 नर्स नहीं 2 बेबी पर 1 नर्स, ठीक है, और उसके बाद में 3 बेबी पर 1 नर्स इफ बेबीज आर ऑलरेडी ऑन एडिक्वेट एंटीबायोटिक कवर, ठीक है, जो एंटीबायोटिक्स कवर ले चुका है बेबी और एडिक्वेट है, ऐसे बेबीज में 3 बेबीज पर 1 नर्स होती है। उसके बाद में यूज डिस्पोजेबल्स, तो डिस्पोजेबल्स का यूज कैसे किया जाए, टू ब्रेक द जर्नी ऑफ माइक्रोब्स एम्प्यूल डिस्पोजेबल आर नीडेड, ठीक है, बेबी किट कंटेन स्टेथोस्कोप, मेजरिंग टेप, थर्मोमीटर एंड ए टॉर्च इन ए स्टेराइल कंटेनर शुड बी अवेलेबल एट ईच बेड, ठीक है, हर बेड पे ये सब चीज़ें अलग अलग होनी चाहिए, ठीक है, दिस शुड बी सेपरेट सिरिंज होनी चाहिए फॉर ईच मेडिकेशन, हर मेडिकेशन के लिए सेपरेट सिरिंजेस होने चाहिए फॉर ईच बेबी, ठीक है, हर बेबी के लिए, ईच टाइम ए फ्रेश सक्शन कैथेटर, तो प्रत्येक टाइम पे फ्रेश सक्शन कैथेटर का यूज़ करना चाहिए एंडोट्रेकियल सक्शनिंग के लिए, ठीक है, और हर बेबी के लिए सेपरेट ग्लव्स होने चाहिए, एंटीबायोटिक वायल्स होने चाहिए, डिस्पोजेबल रेस्पिरेटरी सपोर्ट सर्किट होना चाहिए, ठीक है, और डू नॉट कीप फॉर्मेट्स एग्जांपल फाइल्स एक्सरे फिल्म एंड पेंस ऑन द बेबी कोट, ठीक है, बेबी के बेड पर ये सब चीज़ें नहीं रखनी चाहिए। फॉर फ्लशिंग ऑफ कैथेटर स्टॉक सोल्यूशन शुड नॉट बी यूज एपिडेमिक और एंटेरोबैक्टर क्लोकेन इन NICU विद यूज ऑफ मल्टी डोज एंटीबायोटिक वायल हैज बीन रिपोर्टेड। उसके बाद में लेमिनार फ्लो सिस्टम ऑफ ड्रग फ्लूड एंड टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन प्रिपरेशन,
यू दो फ्लेमिनर फ्लो और फॉर प्रिपरेशन ऑफ टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन एंड अदर आईवी फ्लूड डिक्रीज लोकल कॉम्प्लिकेशन रेट जैसे थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस गैंग्रीन या एब्सेसेस एंड सेप्सिस। तो लेमिनर फ्लो जो होता है उसका यूज करना चाहिए टीपीएन या फिर फ्रूट्स के लिए। उसके बाद में इन्फेक्शन कंट्रोल स्टेप फोर्थ। तो इस फोर्थ स्टेप में क्या करेंगे, प्रिवेंट एंट्री ऑफ माइक्रोब्स इनटू इन्फेंट। इन्फेंट के अंदर माइक्रोब्स की एंट्री को प्रिवेंट कैसे करेंगे, वंस माइक्रोब्स कॉलोनाइज द स्किन एंड अम्बिलिकल कॉर्ड दे एंटर द सर्कुलेशन इफ देयर एनी ब्रीच इज एसेप्टिक प्रिकॉशन। ठीक है, हैंस प्रॉपर हाइजीन इज ड्यूरिंग प्रोसीजर इन क्रूशियल। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, कोल्ड केयर। कोल्ड केयर कैसे करेंगे, तो कोल्ड इन्फेक्शन मोस्ट कॉमन हो सकता है न्यूबॉर्न में, तो अगर कंटामिनेटेड मटेरियल का यूज किया जाए तो कोल्ड इन्फेक्शन कैन बी प्रिवेंटेड थ्रू प्रमोट क्लीन कोल्ड केयर। क्लीन कोल्ड करके, ठीक है, रिड्यूस हार्मफुल कोल्ड एप्लीकेशन। ठीक है, द WHO करेंटली रिकमेंडेड ड्राई कोल्ड केयर। ड्राई कोल्ड केयर ने का रिकमेंडेशन किया WHO ने, द यूज ऑफ सोप एंड वाटर सोल्यूशन टू क्लीन द कोल्ड इफ विजिबल सोइल्ड। ठीक है, उसके बाद में स्किन केयर। स्किन केयर में स्किन इंजरी शुड बी प्रिवेंटेड बाई अप्लाइंग लेस एडहेसिव टेप। ठीक है, इंजरी स्किन इंजरी को प्रिवेंट करना चाहिए लेस एडहेसिव टेप का यूज करके, यूजिंग टेगर ड्रम बिटवीन स्किन एंड एडहेसिव टेप। और जो टेगर ड्रम का यूज करना चाहिए स्किन और एडहेसिव टेप के बीच में प्रिकॉशन ड्यूरिंग एडहेसिव, क्योंकि अगर एडहेसिव टेप को रिमूव किया जाता है तो स्किन निकलने के चांसेस होते हैं न्यूनेट में, तो बीच में टेगर ड्रम का यूज करना चाहिए स्किन और एडहेसिव टेप के बीच में। ठीक है, उसके बाद में बाथ शुड बी अवॉइडेड इन हॉस्पिटल्स। ठीक है, तो बेबी बाथ होता है वो अवॉइडेड होता है, बट स्पंजिंग की जा सकती है बेबी की। उसके बाद में प्रिकॉशन ड्यूरिंग प्रोसीजर। प्रोसीजर्स के दौरान प्रिकॉशन लेना, एसेप्टिक प्रिकॉशन शुड बी टेकन ड्यूरिंग ऑल प्रोसीजर। ठीक है, एसेप्टिक प्रिकॉशन, हैंड स्क्रब टू बी डन प्रायर टू ईच प्रोसीजर। तो हैंड स्क्रब करना हर प्रोसीजर से पहले। स्किन केयर शुड बी क्लीन विद स्प्रिट। स्किन एरिया शुड बी क्लीन विद स्प्रिट, ठीक है, बीटाडीन एंड देन अगेन विद स्प्रिट वाइप। तो किसी भी सेप्टिक प्रोसीजर को करने से पहले स्किन एरिया क्लीन करने के लिए स्प्रिट का यूज करना चाहिए, उसके बाद में बीटाडीन यूज करनी चाहिए, उसके बाद में अगेन स्प्रिट वाइप करना चाहिए। उसके बाद में डिस्पोजेबल ग्लव्स शुड बी वर्न। डिस्पोजेबल ग्लव वियर करने चाहिए। उसके बाद में आफ्टर इंसर्शन कैनुला शुड बी फिक्स्ड विद ट्रांसपेरेंट टेप। उसके बाद में कैनुला इंसर्शन करने के बाद में, अगर मतलब मान लो ये प्रोसीजर हम कैनुला इंसर्शन का ही कर रहे हैं, तो कैनुला इंसर्शन करने के बाद में ट्रांसपेरेंट टेप का यूज करके कैनुला को फिक्स करना चाहिए। द कैनुलेशन साइट शुड बी मोनिटर्ड डेली फॉर साइन ऑफ थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। ठीक है, तो कैनुला साइट है उसको डेली मोनिटर करना चाहिए ताकि कोई थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस का साइन है तो वो हमें दिख जाए, और इसीलिए ही ट्रांसपेरेंट टेप का यूज किया जाता है। इन नियोनेट शॉर्ट कैथेटर शुड बी चेंज ओनली व्हेन क्लिनिकल इंडिकेटेड। ठीक है, कैथेटर इंसर्शन इन इमरजेंसी कंडीशन इंक्रीज इन रिस्क ऑफ नॉन कॉम्प्लायंस टू द इंसर्शन प्रोटोकॉल। ठीक है, एंड दीज कैथेटर्स मस्ट बी रिमूव एज सून एज द पेशेंट कंडीशन इज स्टेबलाइज। ठीक है, मतलब कैसे कैथेटर जो आईवी लाइन है उसका इंसर्शन इमरजेंसी कंडीशन में जो नॉन कॉम्प्लायंस टू जो भी मतलब इंसर्शन के प्रोटोकॉल अगर उनको फॉलो नहीं किया जाए तो ऐसी कंडीशन इमरजेंसी ही कंडीशन होगी जिसमें कि जो आईवी कैनुला है उसका इंसर्शन किया जाता है। ठीक है, और ऐसे जो इमरजेंसी के अंदर जो आईवी इंसर्शन किया जाता है ऐसे कैनुला को बाद में जब बेबी स्टेबल हो जाता है बाद में उसको रिमूव कर लिया जाता है। उसके बाद में है प्रिकॉशन ड्यूरिंग सीवीसी पीआईसी अम्बिलिकल कैथेटर और हैंडलिंग ऑफ कैथेटर। अम्बिलिकल कैथेटर और हैंडलिंग कैथेटर में क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, ट्रेनिंग एंड एजुकेशन ऑफ हेल्थ केयर वर्कर्स। ठीक है, ऑब्जर्व प्रॉपर हैंड हाइजीन प्रोसीजर्स, ऑलवेज अलाउ प्रोवाइड आयोडीन
to remain on skin for at least 2 minutes prior to insertion. उसके बाद में wear sterile gloves. उसके बाद में use ether sterile gauze and sterile transparent semi-permeable dressing to cover the catheter site. ठीक है, उसके बाद में monitor the catheter site visually or by palpation through the intact dressing. ठीक है, उसके बाद में replace catheter site dressing if the dressing become damp, loosen or visible soiled. ठीक है, उसके बाद में properly remove any IV intravascular catheter that no longer essential. मतलब जो कैथेटर जो इंसर्ट करते हैं उसका उसमें क्या क्या हमको प्रिकॉशन रखनी चाहिए वो सब है कि प्रॉपर हैंड हाइजीन करनी चाहिए और हेल्थ केयर वर्कर्स पहले ट्रेनिंग देनी चाहिए, उसके बाद में हैंड हाइजीन करनी चाहिए, उसके बाद में आयोडीन विटामिन आयोडीन का यूज करना चाहिए एटलीस्ट प्रायर 2 मिनट. ठीक है, उसके बाद में स्टेरिल ग्लव्स यूज करने चाहिए, उसके बाद में सेमी परमीबल या परमीबल ड्रेसिंग का यूज करनी चाहिए कैथेटर साइट को कवर करने के लिए. उसके बाद में जो कैथेटर साइट है उसको मॉनिटरिंग करनी चाहिए अगर मतलब ड्रेसिंग इंटैक्ट है कि नहीं है, मतलब ड्रेसिंग अच्छे से हुई है कि नहीं हुई. उसके बाद में रिप्लेस कैथेटर साइट ड्रेसिंग अगर जो ड्रेसिंग है वो डैम्प हो गई है, लूज हो गई है, विजिबल सोइल्ड है तो उसको चेंज करना चाहिए. ठीक है, और अगर आईवी कैनुला है उसका लंबे समय तक कोई यूज़ नहीं है तो उसको रिमूव कर देना चाहिए. उसके बाद में लीव PICC इन प्लेस अंटिल फोर्थ थेरेपी इज कंप्लीटेड अनलेस एविडेंस ऑफ कॉम्प्लिकेशन एग्जांपल फ्लेबाइटिस इन्फिल्ट्रेशन अकर. ठीक है, उसके बाद में चेंज ट्यूब्स एंड बोटल्स एवरी 24 आवर टेकिंग सम प्रिकॉशन एज यूज फॉर इंसर्टिंग सेंट्रल लाइन दैट इज सर्जिकल स्क्रब मास्क गाउन ग्लव्स एंड स्टेरिल ड्रेसिंग. उसके बाद में रिमूव एंड डू नॉट रिप्लेस अम्बिलिकल आर्टरी कैथेटर इफ एनी साइन ऑफ कैथेटर रिलेटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन. ठीक है, वास्कुलर इंसफिशियंसी या थ्रोम्बोसिस आर प्रेजेंट. उसके बाद में ऑप्टिमली अम्बिलिकल आर्टरी कैथेटर शुड नॉट बी लेफ्ट इन प्लेस मोर देन 5 डेज. अम्बिलिकल वीनस कैथेटर शुड बी रिमूव एज सून एज पॉसिबल वेन नो लॉन्गर नीडेड बट हैज़ बी यूज्ड अप टू 14 डेज इज इफ मैनेज्ड एसेप्टिकली.